गरियाबंद में भाजपाइयों ने आज सरकार के धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर 19 बिंदियों में अनुमति लेने के आदेश के विरोध में जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है, जिसमें पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि जनता की आवाज दबाने ऐसा किया जा रहा है, ऐसे में कोई भी अपनी मांगे रखने जायज आंदोलन नहीं कर पाएगा। नियम इतने कड़े हैं कि कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार ने पिछले 3.5 साल में कुछ नहीं किया, झूठे वादे कर सत्ता में आई, अब जब वादे पर मांग किया जा रहा है तो कोई अपनी मांगों को रख ना सके, इसलिए नए नए नियम लगाकर आंदोलन धरना प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसे नियम इमरजेंसी के समय था, ऐसे ही नियम अभी भी लगाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने भाषण में कहा कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का समय आ गया है, यहाँ से आज से इसे लेकर आंदोलन प्रारंभ करना होगा। मुरलीधर सिन्हा ने कांग्रेस की तुलना अंग्रेजों से की है। देश में एक ऐसा कानून लागू किया गया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था या अपने जायज मांग के लिए धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सकते। इस काला कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज जेल भरो आंदोलन लाया गया है। भूपेश सरकार 3.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोग खुश हो, विकास में तो शून्य है। अब इसके साथ साथ जो चुनाव के समय घोषणा किया था उस घोषणा को भी अमल में नहीं लाया, इसलिए भूपेश सरकार ये समझ चुकी कि आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह आंदोलन रैली करेंगे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून ला करके 19 शर्त उसके परमिशन के लागू कर दिया गया है, जबकि हमारे संवैधानिक मांग करने के लिए इस प्रकार से 19 शर्त वाला कानून की आवश्यकता नहीं है। उस कानून को वापस लेने के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था, उसका पालन नहीं किया, तो आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला में इस जेल भरो आंदोलन किए हैं, उसके अंतर्गत हम सब बैठे हैं। इस बार अनुमति लिए हैं? अनुमति नहीं, हम सूचना दे दिए हैं, अनुमति तो देगा नहीं क्योंकि 19 शर्त लागू किया है, वो 19 शर्त किसी भी स्थिति में पूरा नहीं।